हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। टुडे डिस्कस अबाउट हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चंस, यानी कि हम जो देखेंगे इस वीडियो में हाइपरजेमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। हमारी अब हमें थोड़ा कोल्ड हो गया, जिस वजह से आवाज़ जो वॉइस है हमारी वो कुछ डिफरेंट आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कोशिश पूरी रहेगी कि आपको आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कराएंगे, है ना। तो सबसे, यदि आपने पांच पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो पांच पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो यदि पांच पार्ट देख लें तो आप जो हाइपरजेमेट्रिक सीरीज या फंक्शन का है तो आप उससे बहुत कुछ जान जाएंगे, क्योंकि पाँच पार्ट में हमने हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन भी कराया है। तो वो भी आप देख लीजिए, बहुत लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं उससे। पहला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन से है हमारा ई टू दी पावर एक्स बराबर एफ वन ओ वन एल्फा एल्फा एक्स, ठीक है। तो ये है हमारा, यहाँ पे वन वन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सेम है, वैसे भी उसने डिफाइंड भी कर दिया है, ठीक है। तो जी, हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये इस e की पावर x के इक्वल होता है। हम पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब यदि हमारा फॉर्मूला यदि हमारा क्लियर हो जाएगा फिर आप आसानी से लगा देंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एफ वन वन, ठीक है। इतना समझ गए होंगे वन वन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है हमारा ओनली क्या है, यहाँ पर वन है। यदि हमारे दो एलिमेंट यहाँ पर होते, यानी कि फॉर्मूला आपने ये देखा होगा एल्फा एफ टू वन, ये आप देखा होगा, तो यहाँ पर टू है, यानी कि एल्फा बीटा फिर सेमी कोलन फिर यहाँ पर ये, यानी कि गामा, इसमें ओनली एक है तो इसलिए एक, यहाँ पर दो होता तो एक और आ जाता एलिमेंट, ठीक है। फिर किस किस आप पेश कर रहे हैं, चाहे आप जेड ले रहे हैं तो जेड, एक्स है तो एक्स, तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं। आप चूंकि यहाँ पर वन वन दिया है तो यहाँ पर वन वन लिया है, ठीक है, इसको मेन होता है समझने वाला, ठीक है। तो आप ये जानते हैं फॉर्मूला एल्फा बीटा और एक्स का, ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ये समेशन आर बराबर जीरो से इनफाइनाइट एल्फा आर डिवाइड में बीटा आर, फिर क्या हो जाता है एक्स की पावर आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एल्फा एल्फा एक्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एल्फा की जगह बीटा की जगह पे एल्फा रख देंगे, तो क्या कर देंगे, सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ से, रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग बाई एल्फा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, एल्फा इन किसमें, फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ए वन वन एल्फा एल्फा एक्स, ठीक है, ये मिल जाएगा। इसमें रखेंगे तो समेशन आर बराबर जीरो से इनफाइनाइट, यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका एल्फा सफेक्स आर एल्फा सफेक्स आर एक्स आर आर फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको चाहे तो सीरीज खोल लेंगे, जब आर का जीरो मान रखेंगे तो इसका मान वन हो जाएगा, और आर फैक्टोरियल जीरो का मान भी वन होता है, तो यहाँ पर वन, ठीक है, यहाँ पर एक्स रखेंगे वन का इतना मान, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में टू फैक्टोरियल, इसी प्रकार से आ जाएगा। यही प्रसार आपका किस किस का होता है, ये ई टू दी पावर एक्स का होता है। तो सिंपली जो क्वेश्चन हैं इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं इस टाइप के। एक और हमें भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका एक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इस प्रकार से रहा। अब देखिए, वन माइनस एक्स की पावर, ये हमें प्रूव करना है, ये फंक्शन उसने दे दिया है, तो यहाँ से हमें हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन दिया, तो यहाँ से हमें पहले सबसे पहले इसे देखना है। इसमें देखिए दो है, मतलब ये दो क्या है, आगे, यानी कि दो हमारे जो पद रहेंगे एल्फा बीटा, ये किस में आएंगे, ऊपर जाएंगे, ये क्या जाएंगे, ऊपर, और फिर जो जो हमारा नेक्स्ट आया जो वन है, मान लीजिए वन है जी, हमारा किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इसको बहुत ही समझना है, बारीकी से समझना है, क्योंकि सवाल जो है आपका यही गलत होता है, यही चांस रहते हैं, क्योंकि पहले हमारा जो वेस है वो ही समझना जरूरी रहता है।
यदि आप इसी को आप यहीं पे आप यदि गलती कर जाते उसी के अनुसार फॉर्मूला खोल देते इसके अनुसार, तो एल्फा की पावर एन, एल्फा की पावर एन ऐसा कर देते है ना, और एक्स एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल यहाँ समीशन, तो ये ऐसा हो जाता। लेकिन यहाँ पर समझना है कि एक ही पद हमारा ये जो आता है यहाँ पर लिखा रहता है जितना वो ऊपर जाते हैं, यानी कि जी दो बार लिखा तो ये एल्फा और बीटा जी क्या जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो फॉर्मूला तो हमारा वही है। तो सेंस चूंकि हम जानते हैं, सेंस चूंकि बी नो डेट, नो डेट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला था हमारा, हमारा फॉर्मूला था F21 वाला, क्या था हमने लिखवाया भी है जी एक फॉर्मूला बीटा सेमी कॉलन। अब जो यहाँ से क्या अगला आना है यानी कि गामा, फिर क्या हो जाएगा सेमी कॉलन एक्स, इसको क्या कह सकते हैं जी आपका खुलेगा तो क्या हो जाएगा समेशन आर बराबर 0 से इनफाइनाइट कितना हो जाएगा एल्फा की पावर एन सफेक्स, फिर यहाँ से बीटा सफेक्स एन, फिर यहाँ से गामा सफेक्स एन, यानी कि यहाँ से जो अगला टर्म नीचे जाएगा ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स की पावर आर, यहाँ से आर फैक्टोरियल। तो जी इस प्रकार से आपको खोलना है, तो आप क्या करना है हमें, यानी कि गामा का रिप्लेस करना है, हमें क्या करना पड़ेगा गामा रिप्लेस कर दीजिए, तो रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे 2F1 एल्फा बीटा, सॉरी यहाँ पर ये भी आएगा ठीक है, फिर यहाँ पर सेमी कोलन आएगा तो बीटा सेमी कोलन एक्स ठीक है, तो समेशन आर बराबर 0 से इनफाइनाइट यहाँ पर रखेंगे तो एल्फा एन, फिर यहाँ से बीटा एन ठीक है, डिवाइड में ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो बीटा एन सपेक्स में एक्स आर आर फैक्टोरियल, ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ से अब इसका क्या का चाहें तो इसका खोल दीजिए, खोलेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से इसको खोल दीजिए चाहे तो खोलेंगे तो आप सिंपली सिंपली आर का मान 0 रखेंगे तो एल्फा ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर, सो एल्फा क्या हो जाएगा, अब चूंकि यहाँ पर आर की लिमिट ले रहे हैं हम, यहाँ पर जी आर लिखा है ठीक है, आर की लिमिट ले रहे हैं ना हम, यदि हम एन की लेते तो यहाँ पर एन आ जाता है ना, जैसे इसमें किया था ना फॉर्मूला आर के रूप में खोला था वैसे ही ठीक है, तो यहाँ से आर की लिमिट रखेंगे तो एक्स की पावर आर था तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान तो ओनली इतना आएगा प्लस यहाँ पर रखेंगे एल्फा 1 ठीक है, और फिर अगला हमारा क्या आ जाएगा जी हमारा एक्स आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस, यहाँ इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाएगा अपना एल्फा 2 कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट इस प्रकार से। आप क्या करें इसको खोलना है तो इसका तो आप जानते हैं 1 होता है मान, इसका चाहे तो खोल सकते हैं फॉर्मूला आप जानते होंगे इसका क्या होता है गामा एल्फा प्लस 1, वो जी क्या खुलेगा गामा एल्फा एक्स, नहीं खुलता है जी फॉर्मूला, इसका भी हमने पढ़ाया है जी पूरा कॉन्सेप्ट, आप बता लिख सकते हैं एल्फा प्लस 2 गामा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा एल्फा है ना, इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। अब ये थोड़ा रह गया है यहीं पर मैं लगा दे रहा हूँ सवाल को ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2F1 एल्फा बीटा सेमी कॉलन बीटा यहाँ से एक्स बराबर, यहाँ पर जी आपका कितना आ गया 1 आ गया, इसमें आप इसमें इसकी प्रॉपर्टी लाएं तो एल्फा गामा एल्फा, एल्फा गामा एल्फा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ओनली क्या आएगा ये आ जाएगा प्लस, इसमें खोलेंगे 2 पद तक तो कितना खुलेगा एल्फा एल्फा प्लस 1 तक, और अगला जो आएगा वो क्या हो जाएगा कट जाएगा एल्फा से, नहीं कट जाएगा जिस प्रकार से ये फॉर्मूला खोला वैसे ही, तो यहाँ से आप जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट ही, और ये फॉर्मूला आप जी क्या किसका होता है ये फॉर्मूला आप जानते हैं जी 1 माइनस एल्फा 1 माइनस का एक्स पावर माइनस एल्फा का फॉर्मूला होता है जी, किससे आता है जी बाइनोमियल एक्सपेंशन से, ये आपका फॉर्मूला होता है इसको याद रख लीजिएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस का nx प्लस का n n प्लस का 1 x² / 2 फैक्टोरियल इस प्रकार से जाता है ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है ठीक है। आशा करता हूँ कि आप जो दोनों ही न्यूमेरिकल जो है इस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है, इस फिर के एक बार समझ लीजिए, सबसे पहले ये फंक्शन दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला आपको खोलना है जो जनरल जानते हैं, फिर यहाँ पर देखना है कि क्या इसमें चेंजमेंट हो रहा है, तो यहाँ से देख रहे हैं गामा का होता है तो यानी
बी गामा की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, बीटा। तो बीटा रख देंगे तो यहाँ से आप जो है आसानी से ये कट जाएगा। फिर ये जो खोला यही फॉर्मूला यहाँ से प्रॉपर, ये फॉर्मूला इसका आप जानते हो, मैंने कई बार इसको लिखवाया है, इस 5 वीडियो पार्ट डाल चुका हूँ। एल्फा सापेक्ष एन बराबर होता है गामा एल्फा प्लस का एन डिवाइड में कितना होता है गामा एल्फा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला इसमें फिर लगा दिया, तो देख रहे हैं कि कट जाएंगे ओनली इतना बचेंगे, तो यही आपका फॉर्मूला किसका होगा, 1 - x की पावर - α का, यही आपको प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप जो है अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।